आज 2 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो ये अनीता कोटवानी बनी है। और ये जो कैरेट इंडिया है ये डेंटसु एरिस नेटवर्क के स्वामित्व वाली एक मीडिया एजेंसी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। और जो FSSAI है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना अगस्त 2011 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये PR जयशंकर को नियुक्त किया गया है। और जो IIFCL है इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय चेन्नई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। 2012 में महासभा द्वारा समूचे विश्व में माता पिता के लिए ये दिवस चुना गया। अगला प्रश्न है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और इसका जो विषय था इस बार का वो था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न है माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है, ये नरेंद्र मोदी ने की है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी बिजनेस अवार्ड में किसने 2 STB पुरस्कार जीते हैं, तो ये TCS ने जीते हैं। TCS के बारे में कुछ लोग जानेंगे, TCS की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और प्रबंधक निदेशक भी ये नटराज चंद्र शेखरन है। अगला प्रश्न है गोवा ने अपना 32वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो ये 30 मई को मनाया है। और हम लोग गोवा को मैप में देखेंगे तो ये हमारा गोवा है, और नज़दीक से हम गोवा को देखते हैं तो ये हमारा गोवा राज्य है। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया और लगभग 450 साल तक शासन किया और 1961 ईस्वी में यह भारत के प्रशासन में आया। और गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है और 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा एक पूर्ण राज्य बना था। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और विधानसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट 1 है, साथ साथ लोकसभा सीट 2 है। और 9th नंबर प्रश्न है कि RBI ने किस बैंक पर NOC मापदंडों का पालन नहीं करने पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो ये सिटी बैंक है। NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका NOC का मतलब होता है। और जो सिटी बैंक है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष माइकल कोरबट है। कौन सा राज्य 2020 के राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा, तो ये गोवा करेगा, गोवा के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 17,000 करोड़ की निवेश आजीविका हस्तक्षेप योजना की मंजूरी दी है, तो ये उड़ीसा ने दी है। उड़ीसा को लोग मैप में देखेंगे ये हमारा उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और यहाँ विधानसभा सीट 147 है, राज्यसभा सीट 10 और लोकसभा सीट 20 है। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ये अमेरिका ने ऐलान किया है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम है और इसके उप महानिदेशक है वो सौम्या स्वामी नाथन है। अगला प्रश्न है कि 2020 फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलेटिक्स कौन बन गए हैं, तो ये रोजर फेडरर बन गए हैं। और जो फोर्ब्स है यही उसका मुख्यालय है और उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।